अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। अबे ये तो शाम इतनी है। ओके सॉरी। हेलो एवरीवन, दिस इज रफम खान एंड दिस टाइम आई डिसाइडेड टू मेक माय ईद लिट एएफ। एएफ फॉर एस फॉर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स माई थर्ड ईद हेयर इन अब्रॉड एंड पहली ईद मेरी कुछ ऐसी गुजरी थी और सेकेंड ईद कुछ ऐसी बहुत ही अच्छे लोगों के साथ गुजरी थी। खैर जानी स्टोरी कुछ ऐसे है कि ये तो स्टोरी का एंड है। यानी स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले मैंने सेवइयां बना के तो पहले ही फ्रिज में रखती थी ताकि जब ईद की नमाज पढ़ के आऊँ तो ठंडी ठंडी खाने को मिले। फिर नेक्स्ट इशू ये था व्हाट टू वेयर, ब्लैक ऑफ वाइट, आई डोंट नो ये कौन सा कलर है, ये फॉर्मल्स। मूड तो ट्रेडिशंस का था पर जानी रोले यहाँ ख़त्म नहीं होते। ट्रेडिशन के साथ कौन सा वेस्ट पड़ता है, ब्लैक या ब्लू। जानी स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कौन सी वॉच पहन, साथ कौन सी एक्सेसरीज यूज करें। So I came up with an idea, a friend in need is a friend indeed, but I guess in my case a friend in need is a dead indeed. So मुझे खुद ही decide करना था and I came up with the idea all black so swag. मैं तैयार हो गया और जब फिर अपनी balcony से बाहर देखा तो story कुछ ऐसी थी। खैर it was रेनिंग आउटसाइड पर जानी मुझे कोई टेंशन नहीं थी। सो मैं तैयार था और लॉकडाउन की वजह से नमाज का कुछ ऐसा सीन था कि दो ईद की नमाजें हुई थी, एक 7:30 पे हुई थी, एक 9:00 पे हुई थी। और ये था कि 200 पीपल करके जो हैं नमाज अदा की जाएगी। सो आई डिसाइडेड टू गो विद द 7:31 और मुझे पता था कि आवाम बहुत जल्दी होगी और मैं अपनी तरफ से जल्दी 6:30 बजे घर से निकला। सो मास्क चेक, वॉलेट चेक, जैन मास्क चेक, ऑल ब्लैक सो स्वैग हो गया तैयार, काला शाकाला तेरा यार निकला लेके मैचिंग कार। अबे यार चाबी तो मैं ऊपर ही भूल गया। तेरे पास तो ऑडी नहीं। बाबा स्टूडेंट बंदा हूँ, गरीब हूँ। अरे ये तो इस्लामाबाद है, तो पाकिस्तान है क्या? अबे नहीं यार, ये तो मेरे फ्रेंड की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि उसका क्लिप डालूं, मैंने डाल दिया। और यहाँ जितनी बारिश थी वो आप खुद देख लो। खैर जानी मैं मस्जिद पहुंचा और वहाँ फिर से एक अलग स्टोरी है। मैं 40 मिनट पहले भी पहुँच कर लेट मस्जिद में। 200 पीपल की जो अलाउंस थी वो हो गई थी फुल 6 बजे। अब बहुत सारे लोग आ रहे थे और थोड़े नहीं बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि जो मस्जिद के साथ एक ग्राउंड है उन्होंने कहा यहाँ पर अपनी जैन नमाज छाओ और अपनी नमाज था। साथ एक स्पीकर उन्होंने एक्सटर्नल बाय कर दिया था एंड सिस्टम किया था, पर इस वजह से मैं मस्जिद के शॉट्स नहीं ले सका और क्योंकि बहुत ही डिसऑर्गेनाइज सा था। और अच्छा तो मैं देख रहा छोटा क्लिप दिखा रहा बस इतना काफ़ी। उसके बाद जानी मुझे लेने थे अपने फेसबुक के लिए कुछ लिट पिक्चर्स। सो हेयर दे आर। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, हेयर दे आर। फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फ्लैट वापस आया और फिर हम लोगों ने सेवइयां खाई।
उसके बाद हमारा लंच का गपशप लगाई है, लंच का सीन था, बाहर जाके हम लोग ने लंच किया। लंच के बाद सब अपने अपने घर चले गए, मैं अपने घर आ गया, दोस्त अपने घर आ गया, लेकिन मैंने अपनी दीद पे यहाँ पे एंड नहीं करा, मैंने डिसाइड किया हुआ था। सो आई पैक पैक एंड गो टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, मेक माई ईद मोर ब्यूटीफुल। द फर्स्ट टाइम मैं इतने शैलो वाटर में स्काई जेट स्की कर रहा हूँ, स्काई डाइविंग का भी देख के मेरा बड़ा मन कर रहा था। व्हाइल आई एम डूइंग द जेट स्की तो मुझे एक मैसेज आता है मेरे फ्लैटमेट का कि हे अपन यू गॉट अ पार्सल। और मैं सुबह संडे को पार्सल था, उसने इन्फॉर्म कर दिया ठीक है मैं घर आया, तो पार्सल देखा तो पार्सल आया था पाकिस्तान से और जो कि मेरे डैडी ने भिजवाया था। मैंने खोला तो पार्सल था एक बुक, बुक है डैडी ने भिजवाया था एंड आई नो कि वो मेरे फादर हैं, तो वो क्या था। सो आई स्टार्टेड लुकिंग अप एंड या उन्होंने उस बुक के अंदर मेरे लिए ईदी रख के भेजी थी। दो एनवेलप्स थे, एक मेरी मम्मा की तरफ से था, एक मेरे डैडी की तरफ से था। आई लव यू, आप लोगों ने लिटरली मेरा ईदी बहुत स्पेशल बनाया, ईदी भिजवा कर। आप वेस्टर्न यूनियन या बैंक ट्रांसफर भी कर सकते थे, बट दिस वे एक्चुअली जस्ट लव। फिर मेरा एक फ्रेंड मेरे से मिलने आया था जो मेरे लिए कस्टर्ड बना के लाया था, कस्टर्ड वाकई बहुत मजे का था यार। दो आई एम नॉट अ फैन ऑफ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, पर लिटरली इट वाज वेरी यूनिक, इट वाज रियली ऑसम, डिलीशियस, बहुत टेस्टी था। उसके बाद टू एंड माई डे मुझे जाना था अपनी एक क्लोज फ्रेंड से मिलने, नेहा से मिलने। कौन नेहा? शी इज जस्ट अ फ्रेंड लाइक सिस्टर्स। सो मैं उसके पास गया, डिनर किया, जो स्पेशल उसने बनाया था मेरे लिए फॉर द ईद डे इट वाज समोसा मजे के थे। तो इस तरीके से मेरा जो ईद का दिन था इख्तिताम पे आया, एंड हुआ, और मैंने इस ईद को बहुत इंजॉय किया फॉर द एज कम्पेयर टू द पास्ट टू ईद्स, because this is the way I wanted to celebrate my Eid day. To end, मैं यही कहूँगा कि आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक, अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का। Story तो अच्छी है but video quality low क्यों है भाई? यार lens जो है ना टूट गया, आपने तो नया लेके भेजा नहीं, गरीब बंदा ना अभी इतने पैसे के नया ले, तो इस वीडियो को इतना फैला दो कि कोई ब्रांड ये आपके लिए नया बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मिल सकता है तो मेरे को भी मिल ही सकता है ना। खैर आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि मुझे ब्रांड्स कॉल करके कहें कि कम टू आर इवेंट्स, लॉन्च सेरेमनी, एक्स वाई जेड, लेट्स सी, आई डोंट नो कहाँ तक पहुँचता हूँ कहाँ तक नहीं पहुँचता। तो दिस इज एफएम खान साइनिंग आउट, गुड बाय।